ये आ गए भाई छोले भटूरे। आ हा 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 क्या बात है, क्या टेस्टी है। संडे संडे बिजी रूटीन एक हाउसवाइफ का। देखिए जिसकी जॉब होती है वो उनका कम से कम ये रहता है ना कि संडे में भाई आज हमारी छुट्टी है तो बढ़िया से रेस्ट करेंगे, है ना। लेकिन एक लेडीज अगर जॉब करती हो तो उसके लिए भी संडे का दिन उसकी जॉब करने से ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि देखिए संडे के दिन वो अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करती है और एक ही दिन उसे ऐसा मिलता है कि जॉब से, अगर जॉब पे तो कम काम करती होगी लेकिन घर में इतना काम रहता है ना, तो लेडीज़ को पूरी तरह से कहा जाए तो यही है कि बस लेडीज़ को कोई संडे कोई मंडे कोई छुट्टी नहीं मिलती। तो बस इसी के साथ मैं आज आपके साथ अपना संडे रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, और इतना बिजी रूटीन रहता है संडे को कि वही सब मैं आज आप लोगों के साथ बताऊंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें। और आप कैसे किस तरह से अपने संडे को एंजॉय करते हैं, या फिर पूरा दिन बिजी वाला दिन रहता है आपका भी, वो भी मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज सबका लेट उठना हुआ है सो के, आज मैं भी थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि संडे है तो कोई किसी को जाना नहीं है, इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा लेट लेट उठी थी मैं भी सो के। तो बस लेट ही चाय वगैरह हुआ है, आज नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया है क्योंकि कुछ और ही प्लान है, वो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो बस अभी उठने के बाद चाय वगैरह पी ली और उसके बाद लग गई हूँ अपने डेली के साफ सफाई में। ये डेली वाला ही रूटीन होता है लेकिन संडे में क्या होता है ना, हम और थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। और बस इसी के साथ ही आज मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। रब को ना मान। कहाँ चली? हम जा रहे हैं। ये बाल ना बिल्कुल कटने चाहिए तीनों के। बाल गंजा हो गया हूँगा। देखो अक्सर है, देखो भाई बाल कितने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, चुट्टा मारने ला। जाओ कटवा का, दोनों ने फोन ले रखा। बिल्कुल छोटे ग्राउंड नहीं, बाल बिल्कुल छोटे होने चाहिए जो 2 महीने कटवाने की जरूरत ना पड़े। आ रहे बिल्कुल छोटे छोटे बाल कटवा के आना, ठीक है? हूँ ना। हाँ अभी से देखो धूप कितनी तेज है, सुबह में इतना है तो फिर दोपहर में क्या होगा। अरे बाबा फ्रेंड्स ये लोग चले गए हैं बाल कटवाने के लिए, क्योंकि बच्चों के बाल ना इतने बड़े बड़े हो रहे हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा, और लेट इसलिए हो रहा है, कटवाए क्यों नहीं उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो लेकिन आज फाइनल कटवाने गए हैं। मेरा देखिए कितना फैला हुआ है, पूरा का पूरा घर ये देखो। तो बस संडे में यही सब रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन, काम लेट शुरू होता है, सो के लेट उठते हैं। बस अब मेरा बैंड बजने वाला पूरा, बस पूरे घर की क्लीनिंग करूंगी, झाड़ू करूंगी, पोछा करूंगी। तो फ्रेंड्स बच्चे तो चले गए हैं बाल कटवाने के लिए, क्योंकि इन लोगों के बाल ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से हो रहे थे और कटवाए नहीं थे, इसका भी एक रीज़न था। रीज़न ये था कि हमें जाना है घर, गांव में जाना है, गांव में है शादी, तो उसी की वजह से थोड़ा सा 2-4 दिन और लेट कर दिया है कि फिर से दोबारा से कटवाने पड़ेंगे और फिर इतना कटिंग मांगेंगे नहीं, तो इसीलिए बस आज भेज दिया क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हुआ। छोटे वाले के बाल ज़्यादा ही बड़े बड़े हो रहे थे, आँखों में आ रहे थे, और अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज कर लिया क्योंकि मैक्सिमम मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सा चेंज कर लिया है मैंने। और बस अब मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो देखिए बिजी रूटीन तो है ही, लेकिन इस टाइम बच्चे वगैरह चले गए हैं ना, तो थोड़ा सा फुर्सत से भी मैं काम कर लूँगी। जब तक वो आएंगे ना मेरा साफ़ सफाई का काम टोटल फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वैसे तो संडे की छुट्टी मिलती नहीं है, संडे क्या कोई भी दिन हो हमें कोई कोई छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन क्या होता है ना अपने कामों को ही इंजॉय करके हम अपनी छुट्टी मना लेते हैं। तो बस अगर कामों में ही रहेंगे, टेंशन के साथ काम करेंगे कि इतना काम पड़ा हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है, तो फिर हम कोई भी दिन अपना नहीं इंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए बस काम के साथ साथ अपने भी थोड़ा सा मतलब दिल से काम करते हैं ना, अब तो काम भी अच्छा हो जाता है और अपना भी पूरा मन लगा रहता है बिजी में। तो देखिए अभी मैंने ये ना 2 कुर्ती निकाली हुई हैं, ये 2 रखी हुई थी तो मुझे याद आया मैंने निकाली हैं आज, थोड़ी सी लूज़ हैं इनके गले वगैरह और इनकी फ़िटिंग करूँगी क्योंकि अब गर्मी है ना, तो बस अच्छे से इन्हें पहन लूँगी फ़िटिंग करके। मुझे याद आया कि ये रखी हुई हैं, तो बस गेट वगैरह की साफ़ सफाई रोज़ करनी पड़ती है फ्रेंड्स, रोज़ का रोज़ कपड़ा मारना पड़ता है
क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है, अगर ना करो तो फिर वाइट वाइट सा वैसे ही दिखता है। और ये जो वाइट वाइट सा हो रहा है ना, ये मैंने आटा डाला था ड्रम में, तो बस वो थोड़ा सा गिर गया था, लेकिन उठाने लायक नहीं था, इसलिए मैंने इसको एक जगह इकट्ठा कर लूँगी, तो झाड़ू के साथ ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये कचरे में ही मिल गया था। तो बस अभी पूरे घर में लगा लूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद से पूरी साफ सफाई करूँगी, जितने बच्चे आएंगे मेरा घर पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। और झाड़ू फ्रेंड्स पंखा बंद करके लगा रही हूँ, जैसे कि लगानी पड़ती है, क्योंकि फिर कूड़ा उड़ेगा। तो पूरा पसीना ऐसा टप 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 हो रहा था कि बहुत ज़्यादा तो बस हालत ख़राब हो रही है बिल्कुल पसीने की वजह से, लेकिन जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद से लगाऊंगी पोछा। और अभी तो मैं जीने में पहले पानी डाल देती हूँ, क्योंकि आज पाइप लगा के नहीं बाल्टी से ही पानी डालूंगी और पौधों में भी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स पानी की आवाज़ ना बहुत अच्छी लगती है जब पानी पड़ता है ना, तो इसलिए मैंने उसको म्यूट नहीं किया। कितना अच्छा लग रहा था है ना, बहुत अच्छी लगती है जब पानी की आवाज़ एकदम आती है। तो बस मैंने बाहर गैलरी में भी लगा दिया पोछा और जीने में डाल दिया पानी, पौधों में भी डाल दिया, ऊपर भी लगा के आ गई थी ऊपर वाले पौधों में भी। पौधों में ना पानी फ्रेंड्स दोनों टाइम डालना पड़ता है, नहीं तो वो इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप होती है ना, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पौधे मर जाएंगे। और मैं बहुत मन से अपने पौधों को पाल रही हूँ, फूल भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं उन पे। तो बस अभी पोछा वगैरह लगाने के बाद में, बर्तन दो चार ही थे तो मैंने इसीलिए सोचा कि पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद से ही किचन में जाऊंगी, तो किचन को थोड़ा हल्का फुल्का ही क्लीन करूंगी, क्योंकि किचन हम दोनों तीनों टाइम अपना साफ अच्छे से क्लीन करते हैं। तो बस दो चार बर्तन ही थे ये चाय चाय के, इन्हें मैं धुल दे रही हूँ और पूरा कर दूँगी किचन साफ़। और अभी तक भी बच्चे आए नहीं हैं और मेरी पसीने की वजह से फ्रेंड्स हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो आप लोग ना एक बात ज़रूर शेयर करना कि आप संडे को कितना मतलब इन्जॉय करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं क्या, या फिर घर में ही मेरी तरह से बिजी रहते हैं, क्योंकि मैं तो बस मेरा कहीं मन नहीं करता है गर्मी में जाने का, और घर में ही अपना टाइम पूरा बच्चों के साथ पूरा इन्जॉय करते हैं। तो बस अभी मेरा बहुत सारा काम रह रहा है, इसके बाद मैं जाऊँगी बाथरूम की क्लीनिंग करूँगी, आज पूरी डीप क्लीनिंग होगी बाथरूम की, उसके बाद से मेरा नहाना होगा। इसी वजह से मैंने नहाया नहीं, क्योंकि बाथरूम की सफाई करने में पूरा फिर से गंदा हो जाएगा। तो बस अभी क्लीनिंग कर देती हूँ किचन की। और आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि संडे को सब फंडे करते हैं और हम अपने किचन में अपने घरों में बस काम के डंडे खाते हैं। और देखिए बच्चे भी आ गए हैं, तो जल्दी ही मिलूँगी आपसे। क्या लाया भाई, हैं कट के बाल देखो, वाह अब भी तो सही लग रहे हैं ना, छोटे छोटे हो गए, देखो तेरे भी बढ़िया हो गए। माइक बिल्कुल नहीं पूछा, और तुमने नहीं कटवाए, क्यों कैसे कटाए हो, जितने बाल उतरवा दिए सर में, ये आगे से तो कटवाए नहीं, ऐसे कैसे लग रहे हैं दिखाइए, अरे सब कटवा दिए भाई, सही है यही वाला चाहिए था वैसे, हां यही वाला करवा का है। इसमें क्या है, इसमें छोले भटूरे, लेकिन माइक नहीं पूछा, अरे नहीं पूछते, आज संडे है ना, छोले है ये दूसरी दुकान के, मुझे टेस्ट नहीं आया, जमीन पे लेट गया तू, नहा लो नहा के फिर लेट गया बिस्तर पे, चल ठीक है पहले ही उड़ाएगा, चलो भी पहले आप नहा लो। ये आ गए भाई छोले भटूरे, आ हा हा हा, क्या बात है, क्या टेस्टी है, चलो मैं भी खा कर देखती हूँ कैसा अचार, और खा ले।